हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं राजमा की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो 200 से 300 ग्राम के लगभग राजमा है, जिसको मैं कुकर में उबालूँगी 2 गिलास पानी डाल करके। आप देख सकते हैं मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिए हैं, इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी। उसके बाद राजमा डाल करके 2 सीटी से 3 सीटी में दिलवाऊँगी। तब तक मैं इधर मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मसाले में मैंने एक बड़े प्याज लिए हैं, इसको और लहसुन, अदरक, काली मिर्च, जीरा डाल करके मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा, मिर्च को ग्राइंड कर लिए हैं। और इधर मैंने राजमा को भी उबाल लिए हैं 3 सीटी लगा करके। अब मैं पैन गरम करने जा रही हूँ। जो आप देख सकते हैं पैन गरम हो चुके हैं, इसमें आप तेल डाल दें, बड़ी चम्मच से 1 से 2 चम्मच के लगभग तेल डालें इसमें। आप देख सकते हैं तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ये कुछ मसाले हैं जिन्हें मैं ऐड कर लूँगी। आप देख सकते हैं दालचीनी का है टुकड़ा, सौंफ है, जीरा है, रेड चिली मिर्च मैंने इसमें डाल दिए हैं। सबको आप तरकने दें। तरकने के बाद मैंने राजमा टमाटर को ये नहीं की हूँ, ग्राइंड नहीं की हूँ, मैं ऐसे ही इसका इस्तेमाल करूँगी इसमें जब ये तरक जाए। आज मैं कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ राजमे की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज को मैं इस तरह से आप चलाते हैं, भूनते हैं इसको, जब हल्का सा भून जाए। देख सकते हैं इसमें मैं टमाटर भी ऐड कर लूँगी, ठीक है। टमाटर ऐड करके इसको फिर से भूनें, हल्का सा टिक्की है, थोड़ा सा भून गया, थोड़ा हल्का इसमें इधर मसाले हैं। मैंने सब्जी मसाले 1 चम्मच बड़ी वाली स्पून से, खाने वाले जो स्पून होती है उससे आप 1 चम्मच के लगभग इसमें डाल दें और इसे मिला तब तक में भूनेंगे। हल्दी जब मैं ऐड करूँगी, हल्दी, नमक, गरम मसाला, और मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने प्याज और टमाटर को भून लिए हैं और मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। देख सकते हैं कि मसाले जो मैंने रखे थे ग्राइंड करके मसाले में सॉस ऐड करेंगे। आधे चम्मच के लिए हरे मसाला ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर भी इसी के लिए ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं आधे चम्मच के लिए ऐड हो गया था हल्दी पाउडर ऐड करें और ये सबसे मिला करके मैं आप देख सकते हैं मैंने सबसे मिला लिए हैं। आप देख सकते हैं मैं काले भून चुके हैं। काले भूनने में भी पता नहीं होती है कि उसका तेल छूटने लगे तो आपको मर जाए। तो मसाले भून चुके हैं, प्याज भी हल्के बन चुके हैं और मैं इसमें राजमा जो मैंने उबाले थे उसे मैं ऐड कर लूँगी। जैसे आप मिला लें ऐसे देख सकते हैं, ऐसे मिला लें 2 मिनट ऐसे आप इसको बनाएं। उसके बाद में इसे मैं नमक ऐड कर लें, 1 चम्मच के लगभग मैंने नमक लिया है। उस वाली स्पून से खाने वाली स्पून जो होती है उसी से आप नमक लगा के इसको मिक्स कर लें। अब आप देख सकते हैं कि इसको बन चुके हैं। अब एक कटोरी प्लस के लगभग पानी डाल करके आप देख सकते हैं राजमा इसमें मिल चुके हैं, अच्छे से मसाले कोट कर चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कटोरी के लगभग इस वाले कटोरी से मसाले का जो पानी रखा था उसी को मैंने ऐड किए हैं। अगर आप ग्रेवी अधिक चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही ऐड करूँगी, मुझे रोटी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और 2 मिनट के लगभग मैं इसे पका लूँगी। आप देख सकते हैं धीमी फ्लेम कर दे, अधिक तेज फ्लेम न रखें। अब आप देख सकते हैं कि यह सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। आप इसे हरी मिर्च के साथ, धनिया की पत्ती के साथ आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इसे ग्रीन चिली और रेड चिली के साथ डेकोरेट किया है। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आप लोग कैसे हैं?
आप भी अपने घर पर इसे बनाएं और खाएं और मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।